चाबी ऑन कर दी, इसके बाद करंट चेक करते हैं गाड़ी का। यहाँ पे दिखाना दोस्तों, देखो करंट नहीं आ रहा। इधर दिखाओ, तो दोस्तों हम इसकी CDI की वायरें चेक करेंगे। आपको मैं एक एक तार कंफर्म करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, दो तार होती हैं, ये सेंसर की होती हैं, जो कि कार्बोरेटर में सेंसर लगा हुआ होता है। इससे स्टार्टिंग का कोई भी मतलब नहीं होता है, मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। देखिए, एक इसमें रेड है और दूसरी ब्लैक है। ये दोनों वायर सीधी कार्बोरेटर सेंसर में जाती हैं, जो कि स्टार्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता दोस्तों। और मैं इसकी चार वायर होती हैं, यही हमने कंफर्म करनी है पूरी। एक होती है इसमें रेड, जिसमें के जिसके अंदर 12 वोल्ट करंट आएगा, और दूसरी होती है ग्रीन कलर, जो कि बॉडी अर्थ आना चाहिए इसके अंदर। और एक होती है ब्लैक पे पीली पट्टी, जो कि सीधी स्टार्टिंग कॉइल में जाती है। और दूसरी होती है एक इसमें वायर होती है ये ब्लू कलर, जिसमें के पिकअप कॉइल का पल्स आना चाहिए। तो मैं चारों वायर आपको कंफर्म चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से चेक करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहो दोस्तों। ये हो गया इसका मेन तार, जिसमें 12 वोल्ट करंट आएगा, और दूसरा हम लगाते हैं बॉडी अर्थ यहाँ पर। और चाबी दिखाओ इधर भाई, इधर दिखाओ। नहीं नहीं, मोबाइल ऐसे रखना। चाबी हमने ऑन करी, ये देखो, इधर दिखाओ, थोड़ा करीब में देखो, बज रहा है, यानी कि इसमें 12 वोल्ट करंट आ रहा है। और अब हम चेक करेंगे बॉडी अर्थ, यानी ग्रीन वाला तार। ये देखिए, बॉडी अर्थ भी ये परफेक्ट काम करता है, यानी दोनों तार हमारे ठीक हो गए, बॉडी अर्थ और ये 12 वोल्ट। उसके बाद हमने चेक करना है, ये तार हमारा जाता है सीधा ST कॉइल में और पॉइंट। और उसके बाद हम चेक करते हैं ये पिकअप कॉइल, ये ब्लू वाला तार होता है पिकअप कॉइल का, ये इसमें लगाया, और दूसरा हमने लगा दिया फिर दोबारा से बॉडी अर्थ में। ये बॉडी अर्थ में लगाने के बाद हम लगा, मैं किक मार के दिखाता हूँ, इसके करीब में लगा दो, आवाज़ आ रही है कि नहीं देखो। यहाँ पर और करीब लगा, ये देखो, यानी हमारी पिकअप कॉइल भी परफेक्ट है। अब ये वायर हमने चेक करना है, ये बीच में से कहीं से टूटा तो नहीं, सीधा इधर दिखाओ, ये देखिए, ये वायर सीधा जाता है इस कॉइल में। इधर कलर देखो, ये रहा, इसको चेक कर लेना है, ये कहीं से बीच में से टूटा तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसको लगाने के बाद अभी हमें कंफर्म हो गया है कि हमारी CDI ख़राब है, इसकी वजह से करंट नहीं आ रहा है। तो अभी हम CDI चेंज करेंगे और आपको करंट इसमें दिखाएंगे फिर, ओके दोस्तों। तो गाइस, अभी ये नहीं तो नहीं मिल पाई है, अभी हम सेकेंड हैंड लगा कर देख रहे हैं कन्फर्म होने के लिए। इसको लगाया हमने, ये सेकेंड हैंड ही है, और इसमें देखते हैं करंट आता कि नहीं। ये हमने लगा दिया इसमें इस तरह से, इसको दोनों सॉकेट को लगा के ये फिट कर देना है। और अभी हम इसका करंट चेक करते हैं, करंट आया कि नहीं। इधर दिखाओ भाई, चाबी ऑन करा, और चाबी ऑन करने के बाद हम लगाते हैं सेल्फ, देखिए करंट आया कि नहीं। थोड़ा सा करीब में दिखाओ, और मोबाइल करीब करो, देखिए करंट फर्स्ट क्लास आ चुका है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अभी हम आप एक चीज़ और दिखाते हैं, क्या हो गई कैमरे वाले। ये हम इसका सॉकेट निकाल देंगे यहाँ से,
ये हमने मैग्नेट कॉइल का सॉकेट निकाल दिया है और सिर्फ पिकअप कॉइल लगाएंगे इसमें। ये देखिए अभी हम करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा कि नहीं। आइए अभी हम आपको करंट चेक करके दिखाते हैं, देखिए करंट आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों अभी भी करंट आ रहा है, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं होता। और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये स्पार्क प्लग लगाया हमने इसमें, और लगाने के बाद मैं लगा दिया है। अभी शायद किट से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इससे कुछ नहीं होता, गाड़ी हमारे स्टार्ट है। आप देख पा रहे हैं और अगर हम पिकअप पर निकाल देते हैं तो गाड़ी बदल जाएगी।